बारात से लौटकर जा रहे थे घर, तभी पेड़ से टकरा गई तेज रफ्तार कार। तीन लोगों की इस भीषण हादसे में मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कार के पेड़ से टकरा जाने के कारण एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। कार सवार शादी में शामिल होने के बाद रायबरेली से लौट रहे थे, तभी गौरीगंज के पास ये घटना हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। पुलिस ने बताया कि घटना देर रात तकरीबन 2:30 बजे हुई, जब कार सवार लोग एक शादी में शामिल होने के बाद रायबरेली से अमेठी लौट रहे थे। इस बीच गौरीगंज के गोपाल गांव के पास उनकी कार पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में आलोक सिंह, संतोष सिंह और दीपा की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अनुष्का, निहारिका और मनवीर को घायल अवस्था में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स रायबरेली में भर्ती कराया गया है। एसयूवी सवार लोग रात 2:30 बजे रायबरेली से अमेठी लौट रहे थे, इसी दौरान गौरीगंज के गोपाल गांव के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।